शेख, मेरा सवाल सलाद के ऊपर है। शेख, जब इमाम समीला उलीमन हमीदा बोलता है तो मुक्तदी को भी समीला उलीमन हमीदा बोलना है या फिर सीधा उसका जवाब देना है? और जब इमाम सलाम दोनों सलाम फेर देते हैं तब भी मुक्तदी को शुरू करना है या फिर सिर्फ एक ही सलाम पे शुरू कर सकते हैं? जैसे इमाम देखिए, जिस तरह से नमाज में एक हालत से दूसरे हालत में जब हम मुंतकिल होते हैं तो तकबीर बोलते हैं। जैसे हम खड़े हैं, रुकू में जाना है तो अल्लाह अकबर बोल के जाते हैं। हम जो है सजदे से में जाते हैं अल्लाह अकबर बोल के, सजदे से उठते हैं अल्लाह अकबर बोलते हैं। इन तकबीरात को तकबीरात इंतकाल कहा जाता है। तो नमाज की हर एक हालत से दूसरी हालत में जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बोलना है, और जिस तरह से इमाम बोलता है उसी तरह से हम भी बोलते हैं। इमाम अल्लाह अकबर बोलता है, हमको भी अल्लाह अकबर बोलना है, ठीक है। अब ये जो रुकू में जब हैं और रुकू से उठते हैं तो इमाम क्या बोलता है उस वक्त? इमाम बोलता है समी अल्लाह लिमन हमिदा। तो जिस तरह से दूसरी जगहों पर तकबीराते इंतकाल में हम इमाम की इत्तेबा करते हैं, और जिस तरह इमाम तकबीराते इंतकाल बोलता है हम बोलते हैं, उसी तरह से यहां पर भी जो जिक्र है मुंतकिल होने के लिए इमाम की तरह से हम भी बोलेंगे। ये मसला हालांकि मुख्तलफ ही है उलमा के दरमियान, लेकिन सही बात जो राजे बात मालूम होती है वो ये कि इमाम की तरह से हम भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलेंगे, उसके बाद जो है जो जिक्र है उसको पढ़ेंगे। दूसरा सवाल आपका जी सलाम शेख फेरने हाशिम, का, हाँ सलाम सलाम फेरने, सलाम फेरने का। सलाम फेरने का। देखिए, जब इमाम सलाम फेर लेगा फिर हम सलाम फेरेंगे। अगर जैसे इमाम ने पहला सलाम फेरा, अब इमाम तो अभी नमाज से बाहर नहीं हुआ है, अगर इमाम के नमाज से बाहर होने से पहले आपने सलाम फेर दिया तो आप तो नमाज से बाहर हो गए, तो इसलिए जब इमाम सलाम फेर लेगा तब आप सलाम फेरेंगे। यहां पर एक मसला है, थोड़ा सा बारीक उसको समझना जरूरी है कि नमाज के अंदर दो सलाम है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। तो सवाल ये है कि ये जो दोनों सलाम है, क्या दोनों सलाम रुकन है या एक सलाम रुकन है? सलाम रुकन है नमाज का, तो क्या दोनों सलाम रुकन है कि एक सलाम रुकन है? इसमें उलमा ने इख्तलाफ किया है। बाज लोग कहते हैं कि दोनों सलाम रुकन है, बाज लोग कहते हैं कि एक सलाम पहला सलाम रुकन है, दूसरा सलाम मुस्तहब है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दोनों तरफ सलाम फेरते थे और इसी पर आपने मुआजबत किया है, इसलिए हम दोनों सलाम को ही रुकन मानेंगे, यही बात ज्यादा कवी मालूम होती है। लिहाजा अगर इमाम ने अभी पहला सलाम फेरा है और दूसरा सलाम नहीं फेरा है तो आप जो है जब इमाम दूसरा सलाम फेर देगा और अस्सलामु अलैकुम, कम से कम अस्सलामु अलैकुम कहना जरूरी है, तो अस्सलामु अलैकुम के कुम से जब फारिग हो जाएगा दूसरे सलाम में, उस वक्त आप सलाम फेरना शुरू करेंगे। जी यूनुस भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब हो गया। जी जी शेख, ये जो एक चीज और यहां पर शेख हाशिम, इस सिलसिले में कई लोगों को गलती करते हुए देखा जाता है। पहली बात तो ये कि इमाम के साथ साथ ही में जैसे इमाम ने कहा अस्सलाम, उनके साथ में ही लोग शुरू कर देते हैं, वो गलत है। यहां तक कि बाज उलमा ने तो ये कहा, ये तक कहा है, और बात बहुत वजीह भी लगती है कि ऐसे आदमी की नमाज बातिल हो जाएगी। दूसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे आप नमाज में मसबूक हैं, नमाज में आप मसबूक हैं मतलब यानी कुछ आपकी कुछ रकात छूटी हुई है जी। हाँ कुछ रकातें आपकी छूटी हुई हैं, तो जाहिर है जब इमाम सलाम फेर देगा उसके बाद खड़े होकर के आपको रकातें पूरी करनी है। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, अभी उसने शुरू ही किया था, जो मसबूक है वो खड़ा हो गया, ये गलत है, आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। अभी आप इमाम जब ने जब तक सलाम नहीं फेरा तब तक इमाम नमाज से फारिग नहीं हुआ,
जब इमाम नमाज से फारिग हो जाएगा फिर आप इमाम से अलग होंगे। अगर इमाम के साथ में रहते हुए आपने इमाम की मुखालफत कर दी तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। लिहाजा जब इमाम दूसरे सलाम से फारिग हो जाए तब आपको खड़े होना है। ये गलती बहुत ज्यादा आम है, मैंने मस्जिदों में देखा है और कई जगहों पर मैं इस पर तंबीह भी करता हूं कि जो लोग मसबूक हैं जब इमाम दूसरे सलाम से फारिग हो जाए तब आपको खड़ा होना है। भाई जल्दी किस बात की है कि अभी इमाम ने थोड़ी सी आवाज निकाली है उस अपने मुंह से अस्सलाम वालेकुम, तब तक आप जो है खड़े हो गए और जब तक इमाम दूसरे सलाम से फारिग हो रहा है तब तक आपकी एक रकात भी हो गई। ऐसी कौन सी जल्दबाजी है, ऐसी सूरत में आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। जी यूनुस भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब हो गया होगा। जज़ाकअल्लाह खैर। जी जी एक मिनट शेख, कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है शेख, वो दोनों सुजूद में रफले देन उठा करते हैं शेख, कुछ लोग तो इस पर भी आप सलात में कुछ नहीं, नहीं सही बात ये है, जो चीज सुन्नत से साबित है, जो चीज सुन्नत से साबित है वो यही कि सजदे में ना तो जाते हुए और ना तो सजदे से उठते हुए रफुल यदैन करना है। ये एक कौल है, ये एक कौल है, बाज़ उलमा इसके कायल हैं लेकिन ये चीज सुन्नत से साबित नहीं है। शेख अगर कोई दोनों सुजूद के बीच में जो रफुल यदैन करता है तो वो बिदअती में शुमार होगा क्या? हम कहेंगे कि वो सुन्नत पर अमल नहीं कर रहा है और उसको कहेंगे कि आप सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ें, सल्लू कमारा आयतुमूनी व सल्ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जो तरीका मनकूल है आप उस तरीके पर नमाज पढ़ें, ये चीज साबित नहीं है।